बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। ये कहावत, ये लोकोक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी संगीतकारों के मुँह से, गुरुजनों के मुँह से, या उनके तानों में कि अरे कैसा गा रहे हो यार तुम, ये कैसा गा रहे हो, ये बेसुरा तो चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलेगा, तुम बेताला कैसे हो गए, ताल में रहो। ये कहावत लोगों ने सबने सुनी, ये मुहावरा बन चुका है अब तो एक तरह से, जो सभी लोगों ने सुना, लेकिन इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? या ऐसा क्यों है कि बेसुरा चल जाता है और बेताला नहीं चलता? इसका कारण क्या है? अपनी समझ अनुसार जितना मैंने संगीत को समझा है, जितना मैं अनुभवी हूँ संगीत के फील्ड में, जितना भी हूँ, उस अनुसार आज इस पूरे वीडियो में मैं बेताला नहीं चलता है और बेसुरा चल जाता है इस बात पर बात करने जा रहा हूँ। और ऐसा क्यों होता है कि बेताला नहीं चलता है और बेसुरा चल जाता है? कि बेसुरा हो भी जाओगे तो पता नहीं पड़ेगा क्या लोगों को? पता तो पड़ेगा, तो फिर क्यों चल जाता है वो? या ऐसा क्या है कि क्यों बनी ये कहावत? तो अपनी समझ अनुसार इसको डीकोड करने की आज मेरी कोशिश। मुहावरों की एक सीरीज़ मुझे लगता है मुझे बना देनी चाहिए, क्योंकि एक मुहावरे पर मैंने पहले भी बात की थी, अपनी हथौड़ी अपने हाथ, ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ मुहावरा था जो संगीत का था। या फिर मैंने बात की थी कि तालमेल, कि यार मेरा और उसका तालमेल नहीं बैठता है, तो ये तालमेल क्या होता है, जिसको संगीत से क्या लेना देना है, संगीत से उसका क्या वास्ता है, ये मैंने समझाने की कोशिश करी थी। ये दो वीडियो मैंने ऐसे ही रिलीज़ किए थे, उसी तरह से आज ये है कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। पूरा वीडियो देखिए। ऐसे हालात हो तो क्या करे, ये करे ना करे क्या करे। ऐसी कई बातें होती हैं जो हम बोलते तो हैं लेकिन उनका अर्थ हमें नहीं पता होता, बस बोलते हैं क्योंकि बोला जा रहा है। जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने इस पर बात करी है, मैं तो आई एम नो एक्सपर्ट इन इट, लेकिन हाँ जो मैंने सुना है, जैसे कहा जाता है राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, ये अब हो सकता है इस पर विवाद हो जाए, लोगों को ये ठीक ना लगे कि मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ। ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये बात बोली है कि राम नाम सत्य है, हम लोग बोलते हैं जब हम किसी की अर्थी लेकर जा रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन क्योंकि उसका इतना नेगेटिव कोनोटेशन है, जिसको कहते हैं संदर्भ जुड़ा हुआ है, कि किसी की मृत्यु होगी, किसी का देहांत होगा, निधन हो जाएगा, तब हम, स्वर्गवास होगा, तब हम बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया ना किसी महफिल में बैठ के कि राम नाम सत्य है, तो लोग अरे ये क्या कह दिया, कैसे बोल दिया, है ना? तो उसका संदर्भ इतना नकारात्मक है, कॉन्टेक्स्ट इतना नेगेटिव जुड़ा हुआ है कि अरे किसी की मृत्यु पर हम बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस वाक्य में क्या बुरा है? राम नाम तो सत्य है, भले ही कोई जाए आए या रहे न रहे, राम का नाम सत्य है, श्री राम का नाम, भगवान श्री राम का नाम हमेशा सत्य रहेगा, राम नाम सत्य है, वही परम सत्य है, ईश्वर का नाम, ये एक बात है। खैर, अब आई नो इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कि ये जैसे एक बात है कि जिसका अर्थ हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि किसी के निधन पे हम बोलते हैं, उसी तरह से संगीत में कई ऐसी बातें हैं जो हम बोल तो देते हैं। कहते हैं रियाज किया करो। रियाज क्या होता है? रियाज के शब्द पर मैंने बात की थी जब, रियाजत उर्दू का एक वर्ड है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, रिलीजियस एक्सरसाइजेस, जो विधियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है रियाजत या रियाज। कि जैसे वुजू करना, जो इस्लाम धर्म में होता है कि हाथ से पांव मुंह वगैरह धोकर फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि हम कुछ विधियाँ निभाते हैं, अगर हम माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये सब क्या है? ये कुछ विधियाँ हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं को रियाजत कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हम डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, और एक साधना के लिए हम करने जा रहे हैं, ये हम किसी और मकसद से नहीं करते, हम सिर्फ पूजन के लिए, ईश्वर को, ईश्वर के सामने समर्पित होने के लिए हम इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। यही विधियाँ जब संगीत में आ जाती हैं तो भी उन्हें रियाज कहा जाता है। ये है रियाज का अर्थ। रियाज मतलब सिर्फ गाना नहीं होता कि हाँ मेरा रियाज हो रहा है, रियाज उसे नहीं कहते। रियाज इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आप सवेरे उठकर ऐसे ही आप बैठ जाते हो, नहीं, आप नहा धोकर बैठते हो अच्छे से, आप पूरा पूजन, आप जिस जगह रियाज करते हो वहाँ कोई नहीं आता है, है ना, उसे कहते हैं रियाज। कि वो इतनी सिक्लूडेड, इतनी पवित्र जगह है, उस स्थान पर कोई नहीं आता, आपके इंस्ट्रूमेंट को कोई हाथ नहीं लगाता, उसे कहते हैं रियाज।
कि वो इतनी पवित्र जगह है कि आप हर किसी को नहीं दे दोगे कि हाँ तुम भी यहाँ बैठ भी जाओ, यहीं खाना भी खा लो, यहीं सो भी लो। कोशिश ये होनी चाहिए कि रियाज का स्थान, रियाज की जगह, रियाज के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हों जो सिर्फ आपके पूजा की तरह होते हैं, उसे कहते हैं रियाज। ऐसे नहीं कि कभी भी गा बजा लिया उसे रियाज बोलोगे। ऑल्दो ठीक है, मैं एटिमोलॉजी में ज़्यादा नहीं जाऊँगा वर्ड्स की, क्योंकि सीधी सी बात है कि हर बात के अपने एक संदर्भ होते हैं। तो अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो क्या उसे रियाज नहीं कहेंगे, क्या वो पूजा नहीं है मेरी, है ना। लोग तर्क पे उतर आते हैं, वो बात अलग है, पर ठीक है, जैसी परिस्थितियां हो उस अनुसार बदल जाती हैं चीज़ें, है ना। वगरना जो उसका सही तरीका है या जो कहें हम ट्रेडिशनल तरीका है, वो वही है। उसके अलावा भी चीज़ें बदलती हैं, शब्दों के संदर्भ बदलते हैं, सिचुएशन बदलती हैं, तो हम कभी भी किसी चीज़ को कुछ भी बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, मुझे आपत्ति हो या न हो मैटर नहीं करती, ओपिनियन है सबका अपना अपना, लेकिन ये एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। उसी तरह से बेसुरा चल जाता है पर बेताला नहीं चलता, ये क्या बात हुई? तो ये बात इसीलिए है। अब मैं इस पर आता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैंने खुद ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें भी शायद मैंने ये बात बताई थी, बहुत साल पुराना है, कि बेसुरा भी गा सकता है अगर वो लय में हो तो। तब भी लोगों को अचंभा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेसुरा गा सकता है अगर वो लय में है तो। लय और ताल की समझ हर व्यक्ति को होती है, ज़्यादातर पहले बोल देना चाहिए था मुझे, ज़्यादातर हर व्यक्ति को लय और ताल की समझ होती है। क्यों? एक चाल है जो हमारे अंदर बस जाती है, जैसे ही हम कोई गाना सुनेंगे तो हाँ हम भी ताली बजाते हैं, ऐसे 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 ग्रूव में आ जाते हैं। आप देखते हैं भजन मंडलियाँ होती हैं, या सुंदरकांड के पाठ होते हैं, या ऐसी आरतियाँ होती हैं, ऐसी ग्रुप में कोई चीज़ हो रही होती है तो रिदम पकड़ लेते हैं। कॉन्सर्ट्स होते हैं तो गाने वाला गाता है तो उसकी रिदम हम पकड़ लेते हैं, ये लय में आ जाते हैं, क्योंकि हमें वो फ्लो इतना याद है। उसी फ्लो को, उसी चाल को ही हम ताल बोल रहे हैं यहाँ पर, कि वो जो फ्लो है वो हमें याद है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सुर ईश्वर है, सुर समर्पण से, सुर ऊपर वाले की कृपा से, गुरुओं की संगति से आ सकता है, रियाज से भी थोड़ा बहुत सद सकता है, पर किसी के कंट्रोल में नहीं है। लय और ताल की कोशिश ये होती है इंसान की कि वो कंट्रोल कर सकता है, वो याददाश्त का, वो संयम, वो धैर्य का काम है कि एक लय पकड़ा दी गई, एक टेम्पो दे दिया, अब इस टेम्पो को आप कितना याद रख सकते हो कि यही है, इतनी ही देर में अगली ताली लगानी है, इतनी ही देर में अगला अक्षर, अगला सुर बोलना है, वो याददाश्त का, वो साधना का काम है। यानी उस पर चिढ़न होना गुरु को लाजमी है। सुर पे बहुत कम ऐसे गुरुजन होंगे जो चिढ़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ठीक है बेसुरा तो हो जाता है व्यक्ति, है ना, एकदम पिच परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन लय से कैसे बाहर हो गया? लय तो ध्यान की बात थी, ताल से कैसे बाहर हो गया? ताल पे तो ध्यान होना चाहिए था ना। ताल तो आपको याद है कि ताल के ये बोल होते हैं, ये मात्राएं होती है, ये खंड होते हैं, इसके बाद ये मात्रा आएगी, इतनी मात्रा से आपका ये शब्द उठता है, इस मात्रा पे खाली आती है, इस पे सम है, इस पर ये बोल है, वो तो याद होना चाहिए ना, वो तो रियाज की बात है, प्रैक्टिस की बात है। अभ्यास की कमी है इसीलिए ताल से चूक गए, ध्यान की कमी है इसीलिए लय से चूक गए। इसीलिए ज़्यादातर लोग ये ताना मारते हैं कि बेताला नहीं चलता है, क्योंकि बेताला सबको पता पड़ता है, बेसुरा नहीं पड़ता है। ये बात फैक्ट है। और अगर ध्यान से मैं बताऊँ ना, या एकदम डिटेल में बताऊँ, तो बारीक लय और बारीक सुर, जो श्रुतियों की बात हो अगर, या एकदम ही बहुत सूक्ष्म लय की बात हो, वो भी किसी को पता नहीं पड़ता है। बहुत गुणी जन होंगे, बहुत साधक होंगे, पंडित उस्ताद लोग होंगे जिनको मालूम चल जाता है कि ये थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क, तो वो 19-20 का फ़र्क ही सुर और लय में होता है, जो गुणी जनों को मालूम चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलेगा कि लय हल्की सी बढ़ गई क्या, है ना। जैसे ये एक जेस्चर होता है, ऐसे कर देते हैं तुरंत गाने वाले के, अरे ये, है ना, तबले वाले को इशारा करते हैं ऐसे, तो ये क्या है? ये है कि लय साधो, नीचे लाओ, खींच के रस्सी जैसे पकड़ के ला रहे हो, जैसे कि लय बढ़ गई है तुम्हारी, नीचे लाओ, तो उड़ रहा है कोई, उड़ते उड़ते ऊपर चला गया तो खींच के नीचे लाते ना पकड़ के, इस तरह से संगीत वाले करते हैं, है ना। तो ये बेताला होने से इसीलिए परेशानी होती है, क्योंकि बेताला या लय से हट जाना ध्यान की और अभ्यास की कमी है। बेसुरापन आ जाना भी रियाज की कमी है। ऑफकोर्स वो नहीं कह रहा हूँ कि बेसुरापन चल जाता है, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन सुर पे इतना नियंत्रण है नहीं किसी का, सुर जा सकता है, सुर ईश्वर है ना। क्योंकि वैसे लय और ताल भी ईश्वर, ऐसा नहीं है कि लय और ताल कोई दानव है, कोई ऐसा दैत्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो साधा जा सकता है फिर भी याददाश्त से और अभ्यास से। इसीलिए कहा जाता है कि बेसुरा चल जाता है। अब अगर आप
देखेंगे जनगणमन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जनगणमन की धुन सुर में बहुत कम लोग गाएंगे, लेकिन असेंबली में सवेरे सवेरे जब स्कूल में गवाया जाता है तो सब के सब उस टेम्पो में ज़रूर गाते हैं कि जाना ना माने ना माना, शब्द भी याद नहीं होंगे उन्हें, इनफैक्ट धुन भी उनको इतनी नहीं होगी, लेकिन टाइमिंग मालूम है कि अब इतना रुकना था तो वो मालूम है उनको, क्योंकि इतना रट चुका है। सुर कितना रटोगे, सुर भी रटा जाता है, ऐसा नहीं है, आप धुन रट लेते हो, है ना, कि जिसको कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है। मेरे मायने में संगीत या किसी भी चीज़ में गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता है, होती है तो एक इनहेंस एबिलिटी किसी भी चीज़ को अडेप्ट याद करने की, समझने की, वो ऊपर वाला देकर भेजता है, या जीन्स में होती है आपकी, है ना, अगर वैज्ञानिक तौर पर अगर उसे देखें तो आपके खून में है वो बात, या अगर और स्पिरिचुअल ढंग से देखें तो वो पिछले जन्म से आप लेकर आए थे, कि वो एक इनहेंस्ड एबिलिटी होती है आपके अंदर कि आप कोई भी चीज़ जल्दी से पकड़ लेते हैं, है ना, रट लेते हैं, इमिटेट कर देते हैं, कि मैंने कोई धुन गाई तो तुरंत के तुरंत वो पोपट की तरह आपने, यानी तोते की तरह वो धुन जो है रिपीट कर दी, आपको मालूम नहीं चला कि आपने धुन में क्या गाया, उसको हम कह देते हैं अरे ये तो गॉड गिफ्ट है, सुरीला बच्चा है। वो गॉड गिफ्ट नहीं है, वो गॉड गिफ्ट बस इतना सा है, वो कोई सुर का नॉलेज लेकर पैदा नहीं हुआ है। नॉलेज लेकर कोई पैदा नहीं होता, नॉलेज तो यहीं सीखनी पड़ती है, है ना, वो तो हार्ड वर्क से ही आती है, वो किताबें पढ़ने से आती है, वो लोगों से मिलने से आती है, वो रिसर्च से आती है, हार्ड वर्क से, और नॉलेज जो है वो उससे मिलती है आपको। नॉलेज लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन नॉलेज लेने की जो एबिलिटी की स्पीड है, या जो जो ग्रैस्पिंग पावर है, वो लेकर जरूर व्यक्ति पैदा हो सकता है, है ना, वो उसके खून में हो सकती है, जीन्स में हो सकती है, जैसा भी है, ठीक है। तो वो है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदाइशी सुरीला है तो उसको मालूम है कि 12 सुर होते हैं, 22 श्रुतियाँ होती हैं, इतनी ताले होती हैं, लय होता है, वो कुछ नहीं है। जिसको हम कहते हैं प्रोडिजी, कि अरे यार पैदाइशी बहुत दिमाग रखता है, वो प्रोडिजी भी क्या है कि वो जल्दी लर्न कर लेता है आपसे। आप शायद अगर कोई चीज़ 10 दिन में याद करोगे तो वो शायद 10 मिनट में याद कर ले, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत तेज़ है, उसको कहते हैं प्रोडिजी। तो ये है कि सुर भी रटा जाता है, कई लोग सुरीला गाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुर की समझ रखते हैं, नहीं, उन्होंने रट इतनी जल्दी लेते हैं वो, या कोई भी धुन सीखते हैं तो तुरंत गा लेते हैं। जैसे मैं नहीं था, मैं कोई प्रोडिजी नहीं हूँ, मैं कोई बचपन से ऐसा नहीं था कि मैंने सुनी धुन और मैं तुरंत गा दूँ, नहीं, मैंने तो मेहनत से पाया है भाई, जो पाया है सुर को, लय को, ताल को, बहुत मेहनत लगाई है इसमें, अभी भी लगा ही रहा हूँ जितना आता है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बेसुरा बेताला भी हूँ, क्योंकि अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं कोई पैदाइशी लेकर नहीं आया था इसको, है ना, कि मैंने तुरंत, मैं रटने की क्षमता मेरी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं कोई धुन सुनूँ और तुरंत रट लूँ, नहीं, मैं एनालिटिकल वे से ज़रूर देख लेता हूँ कि धुन आप मुझे मेरे सामने गाएंगे तो मैं उसका अंजर पंजर करके सीख लूँगा, अच्छा यहाँ पे ये फ्रेमिंग है, क्योंकि मैंने हारमोनियम तबला सीखा है, इस वजह से मैं कोई रट नहीं सकता तुरंत धुन को। उसी तरह से बेसुरापन जो है वो उन लोगों का ज़्यादा आता है जो समझ से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझे नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो रट लेते हैं वो शायद कम बेसुरे होते हैं, है ना, क्योंकि वो तो रट लिया उन्होंने, तो उनको याद कर लिया उन्होंने धुन, तोते की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह अंदर गया और वैसे के वैसे निकल के बाहर आ गया। ऑल दो उसमें उनका भी योगदान है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली रटा हुआ है, कुछ तो उन्होंने भी मेहनत करी ऑफकोर्स, है ना। तो बेताला इसीलिए नहीं चलता है, क्योंकि ताल की समझ, लय की समझ, या जिसको कहें चाल की समझ। एक छोटी सी और बात बताता हूँ, उमूमन लोग लय का मतलब समझते हैं धुन, कि यार इस गाने की लय क्या है, गाने की लय क्या है, ये वाक्य अगर वो बोल रहे हैं इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि इस गाने की धुन क्या है, कि कैसे जाएगा, कितना ऊपर, कैसे नीचे, इसको वो लय समझते हैं। जबकि लय आप लोग जानते हैं, समझदार लोग हैं, कि टेम्पो को कहा जाता है, कि किस गति में चल रहा है, कि जन गण मन आदि, या फिर जन गण मन आदि, तो ये धीमा था और ये तेज था, ये लय बदली है, लय धीमी थी, लय तेज थी, धुन वही रहेगी, उसकी धुन पर उसका असर नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात है कि लय सब लोग समझ लेते हैं, जैसे ही अगर ग्रुप में आप कोई चीज़ गवाएंगे, जो संकीर्तन होते हैं मंदिरों में, तो लोगों को शब्द भी ना याद हो, बेसुरापन में वो गा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है अगर, तो उसमें वो चौपाइयाँ वो सब बेसुरी गा रहे हैं, लेकिन चाल में गा रहे हैं। जैसे ही पंडित जी या कोई अटक गए तो उनको तुरंत पता चलता है, अरे कुछ गड़बड़ हुआ। तो वो क्या गड़बड़ हुआ, वो लय और ताल की गड़बड़ हुई जो उनको समझ आती है, है ना, बेसुरापन नहीं समझ आता है उनको। क्योंकि सुर को कंसीव करना ये बहुत साधना की बात है, बहुत बारीक बात है, कि आपको मालूम चले कि डरारा और टरारा इसमें फ़र्क क्या था। इतने सभी फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं लोग, कि कहाँ मैं हल्का सा ठहर गया और कहाँ मैंने धुन हल्की सी बदल दी। तो ये सुरीलापन, ये सुर की समझ बहुत कम लोगों में होती है, ये सीखने पे आती है, ये साधना पे आती है, लेकिन लय और ताल की समझ ना लगभग लगभग होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे झूमते हैं, लय में झूमते हैं, ताल में झूमते हैं, कैसे, क्योंकि ये है, ये पता नहीं कैसे, ये अडेप्टिव है, कि वो है उनके अंदर, एक ग्रूव है, एक चाल है। ऑल्दो सब में नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर ताल में ही झूमे, कोई तो वैसे भी लंगड़ी चाल में भी चलता है कि कहीं भी रुक जाएगा, वो भी होता ही है, लेकिन फिर भी
ज़्यादातर लोगों में लय और ताल की समझ होती है। आप देखेंगे अपने घरों में अपनी माताओं बहनों को देखें या अपने पिताओं को देखें जो शायद संगीत ना सीख रहे हों, लेकिन वो आपके चाल को समझ लेते हैं गाने को, है ना, क्योंकि सुनना बहुत होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं किन्हीं चीज़ों को तो उसकी चाल हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और वो चाल ही लय है, वही फ्लो है, और वो टूटा तो नहीं चलेगा साहब, क्योंकि वो सबको पता चलेगा, क्योंकि लय जैसे ही टूटती है ना तो चीज़ें रुक जाती हैं। बेसुरापन होगा ना तो भी साज साथ में बज सकता है ना, मालूम नहीं चलेगा, इवन साजिंदों को नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ताल अगर टूट गई तो ताल वाला आगे पीछे हो जाएगा, गाने वाला आगे पीछे हो जाएगा, जो बजा रहा है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो तुरंत पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, अगर मैं हारमोनियम संगत कर रहा हूँ आपके गाने के साथ और आप बेसुरे हो रहे हैं तो भी मैं संगत वैसे ही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगा कि एक आध सुर अगर आपने गलत लगाया, लेकिन आपकी लय अगर टूटी तो मेरा और आपका तारतम्य टूट जाएगा, तबले वाले से आपका तारतम्य टूटेगा, तो जैसे ये कनेक्शन टूटा सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसीलिए बेताला नहीं चलेगा साहब, बेसुरा चल जाएगा। ठीक है, खैर आई गेस इतनी कोई डिटेल कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन स्टिल क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं मैं किसी भी चीज़ को विस्तार से समझने और समझाने में यकीन रखता हूँ, तो बस वही एक कोशिश थी कि बेसुरा क्यों चल जाता है और बेताला क्यों नहीं चलता। ऐसे ही देखते रहें, कुछ ना कुछ नया मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।